हे गाइस, दिस इज इशिता। वेलकम बैक टू मुंबई पेंटिंग स्टूडियोज। तो आज की वीडियो हमारी बहुत ही यूनिक होने वाली है, क्योंकि आज मैं करने वाली हूँ एक एक्सपेरिमेंट। तो जैसे कि आपको पता है कि मेरा पेंटिंग करती हूँ कैनवस पे या पेपर पे, पर आज सरफेस होने वाला है माई फेस। दैट्स राइट, आज हम करने वाले हैं फेस पेंटिंग। मैंने कभी भी फेस पेंटिंग नहीं की है, आज मैं फर्स्ट टाइम ट्राई करूंगी आपके साथ, तो देखते हैं क्या होता है। तो इसलिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी के अभी सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, ताकि जब भी मैं एक वीडियो डालूं आपको तुरंत पता चले। सो विदाउट फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। हे गाइस, मैं करने वाली हूँ वैन गॉग भाई साहब की स्टारी नाइट। तो उसके लिए सबसे पहले हम लेंगे कोबाल्ट ब्लू, और मैंने ले लिया है एक पॉइंटेड ब्रश। तो शुरू करते हैं फोरहेड पे। ओ क्या लग रहा है, आज बहुत दिक्कत होने वाली है, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम करने वाली हूँ, बहुत ही नर्वस हूँ। वाटर कलर ईजिली लग जाते हैं चेहरे पे और ईजिली वॉश कर सकते हैं, इसलिए इसे फेस पेंटिंग के लिए एक बहुत ही अच्छा मीडियम माना जाता है। तो कभी भी अगर आपको भी ट्राई करना हो तो पोस्टर कलर्स ही यूज़ करें, और वो स्किन पे ज़्यादा हार्मफुल भी नहीं रहता। वाओ, कलर कितना ब्राइट लग रहा है, ये है कोबाल्ट ब्लू का मैजिक। बहुत ही डिटेल्स है, भगवान बचा लेना आज। पॉइंटी ब्रश है इसलिए मिस्टेक होने की गुंजाइश थोड़ी कम है, बट लेट्स सी। वो नेक कैसे भूल सकते हैं, नेक पे तो पहले करना होता है। अब ये बहुत ही ट्विस्ट एंड टर्न, बहुत ही ट्विस्टी टेल है ये। किया बस इसकी फिनिशिंग अच्छे से आ जाए। ओ गॉड, ये तो सबसे डिफिकल्ट पार्ट है, क्योंकि इनकी पेंटिंग स्टाइल ही ऐसी है कि ऐसे लगते हैं कि बहुत सारे स्ट्रोक्स किए हैं, तो अब वो इफेक्ट लानी पड़ेगी। नीचे देते हैं एक बड़ा सा स्वर्ल। इसमें मैं यूज़ कर रही हूँ स्काई ब्लू कलर। वैसे मैंने नोटिस किया है कि अगर लाइट कलर को डार्क पे लगाओ तो बहुत बढ़िया दिखता है। अब मून के बिना नाइट कैसे हो सकती है, मून तो पहले चाहिए, और स्पेशली अगर वैन गॉग की हम स्टाइल में करें तो उसी स्टाइल में करना पड़ेगा। अब मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है, मुझे लग रहा है मैं कर सकती हूँ ये, और जब मैंने इतना सारा कर दिया है तो ये तो हो ही सकता है। तो वाइट कलर लेके कर रही हूँ मैं, ऐसे मल्टीपल स्ट्रोक्स करने हैं मून के लिए। अब जो भी आर्किटेक्चर है, जो बिल्डिंग्स है, वो हम कर रहे हैं। कुछ ज़्यादा ही उड़कर मैं फास्ट फास्ट कर रही हूँ। अब कासल किया है तो घर भी तो करने पड़ेंगे ना, तो एक पतली सी ब्रश लेकर मैं हाउसेस कर रही हूँ।
अभी तो मेन काम शुरू हुआ। हाइलाइट्स के बिना ये कैसे लगेगा वैन गॉग की स्टारी नाइट? हाइलाइट्स ही सब कुछ है, हाइलाइट्स तो इसकी जान है, इसका करता घरता हाइलाइट्स है। तो अभी फिनिशिंग दे रही हूं। हाँ जी, स्ट्रोक्स के बिना तो ये स्टारी नाइट नहीं लगेगा। अब कर लेते हैं हाउसेस की आउटलाइन। देखिए, आउटलाइन बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, इनके के बिना पेंटिंग में जान ही नहीं आती। एंड यस, दैट्स अबाउट इट। बहुत ही बढ़िया लग रही है, बहुत ही खुश हूँ मैं आउटकम के साथ। कीप वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।